नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक और नई अनबॉक्सिंग आपके लिए लेके आए और आज का जो मोबाइल फोन है वो Redmi का नोट 13 प्रो प्लस 5G मोबाइल फोन है, जो कि क्वालिटी वाइज बात करूं या फिर डिजाइन वाइज बात करूं बहुत शानदार मोबाइल फोन होने वाला है। तो आज इस वीडियो में इसकी क्विक अनबॉक्सिंग करके आपको इसकी सारी जानकारी देने वाले कि इसमें डिस्प्ले, रैम, रोम, प्रोसेसर किस तरह दिया गया है, इसमें कैमरा सेटअप बहुत तगड़ा दिया गया है और इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो आपको ये मोबाइल फोन 29,000 तक मिल सकता है। अब वो किस तरह मिलेगा, क्या सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे हमारे और आप सभी के चैनल टीम एक्सप्लेन वर्ल्ड में। तो चलिए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। सो गाइस, ये हमारा Redmi Note 13 Pro Plus 5G मोबाइल फोन का बॉक्स। अगर बॉक्स को साइड बाय साइड अगर आप देख लेते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको ब्रांडिंग मिल जाती है इसमें, और राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो कुछ बेसिक डिटेल मिल जाती है, लाइक इसके कंपनी के बारे में कि इंडिया में ट्रस्टेड ब्रांड है, क्या क्या है, वो सारी चीजें मिल जाती है। बैक साइड में थोड़ी बेसिक डिटेल मिल जाती है जिसमें आपको इसके मोबाइल के फीचर्स बताए जाते हैं, जो कि हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। इसके अलावा टॉप एंड साइड में आपको प्राइसिंग और बाकी चीज़ें मिल जाती है। तो चलिए फटाफट बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट ऑल इसके बॉक्स कंटेंट में क्या मिलता है, उसके बाद हम इसके आगे की जानकारी देखेंगे कि इसके अंदर हमारे को रैम, रोम, प्रोसेसर जैसी चीज़ें किस तरह मिलती है। तो चलिए फटाफट मोबाइल फोन को अनबॉक्स करके इसका बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं। सो गाइस, हमारा मोबाइल फोन का बॉक्स ओपन हो चुका है। बॉक्स ओपन करते वक्त फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें एक केस मिल जाता है, जिसे अगर आप ओपन करते हो तो सामने आपको एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है। उसके अलावा इसको पूरा ओपन करते हो तो इसके अंदर आपको एक मैनुअल बुक मिल जाती है। उसके अलावा इसमें एक मिलेगा आपको एक बैक कवर, एक ब्लैक कलर का बैक कवर, एक सॉफ्ट केस। क्वालिटी वाइज बहुत शानदार दिया गया है। उसके अलावा इसके अंदर आपको मिल जाएगा एक सेल फोन, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। इसके अलावा एक चार्जिंग केबल मिल जाता है जो कि टाइप ए टू सी दिया गया है। उसके बाद इसमें जो सबसे बढ़िया चीज़ दी गई है, इसका मॉन्स्टर चार्जर। जी गाइस, इसके अंदर आपको 120 वॉट का हाइपर चार्जर मिल जाता है, जो कि आपके मोबाइल फोन को बहुत ही फास्ट तरीके से चार्ज कर देगा। अब वो कितने स्पीड करेगा हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए बॉक्स कंटेंट में आपको इतना ही मिलता है। तो चलिए सबको साइड में रख के हमारे मोबाइल फोन के फर्स्ट लुक और डिज़ाइन के ऊपर आते हैं और देखते हैं इसका डिज़ाइन और लुक किस तरह दिया गया है। सो गाइस, रेडी हो जाइए हमारे मोबाइल फोन के फर्स्ट लुक के लिए। सो गाइस, ये रहा हमारे मोबाइल फोन का फर्स्ट लुक, और लुक और डिजाइन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत शानदार डिजाइन इसमें दिया गया है, जिसके ऊपर मैं तो फिदा हो गया हूँ। इसके अलावा इसके डिजाइन की अगर बात करूँ तो ये फ्यूजन डिजाइन दिया गया है, और इसका जो बैक साइड का पैनल है वो आपको वीगन लेदर पैटर्न में मिल जाता है, जिसमें आप देख सकते हो अलग अलग कलर के शेड्स मिल जाते हैं जो दिखने में बहुत कमाल के दिखते हैं। ऊपर से जो बैक पैनल है पूरे लेदर फिनिश के साथ मिलता है, जो पूरे टेक्स्चर को आप फील कर सकते हो। इसके अलावा इसमें कलर की बात करूँ तो ये हमारा फ्यूजन पर्पल कलर है। इसके अलावा इसमें आपको दो कलर शेड्स और मिल जाते हैं, फ्यूजन व्हाइट और फ्यूजन ब्लैक करके, और तीनों ही कलर दिखने में बहुत जबरदस्त आपको मिलने वाले हैं। क्वालिटी वाइज बात करूँ या फिर हर चीज़ में बहुत जबरदस्त मोबाइल फोन आपको मिलने वाला है। मैं अगर साइड बाय साइड अगर आप देख लूँगे तो एक बहुत अच्छा फ्रेम के साथ मोबाइल फोन मिलता है, 3D कर्व डिज़ाइन में मिल जाता है। इसके अलावा बटन और पोर्ट्स में बात करूँ तो राइट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम अप डाउन की और ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है। इसके अलावा नीचे साइड में आपको स्पीकर, चार्जिंग कनेक्टर, माइक और सिम ट्रैक ऑप्शन मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड आपको प्लेन मिल जाता है, और वहीं टॉप हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो टॉप हैंड साइड में आपको एक और स्पीकर मिल जाता है, जो कि आपके स्टीरियो स्पीकर का काम करने वाला है। साथ ही इसमें आपको NFC का सपोर्ट भी मिलने वाला है, मतलब अगर आप देखोगे तो इसमें सारी चीज बटन और पोर्ट्स जगह बहुत शानदार दिए और अच्छे तरीके से दिखे। वहीं अगर इसमें सिम ट्रे निकाल के आप देखोगे तो इसमें आप सिर्फ 2 सिम कार्ड लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसमें मेमोरी एक्सपेंड नहीं कर पाओगे, आपको जितनी मेमोरी मिलती है आपको उतना यूज करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो अभी तक जितने भी चीजें मोबाइल फोन में दिए वो बहुत शानदार दी गई है। तो चलिए अब इसके बाद हम मोबाइल फोन को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं इसके आगे हमारे को रैम, रोम, प्रोसेसर में क्या क्या मिलता है। सो फ्रेंड्स, हमारा मोबाइल फोन स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। अब जैसा कि आप सभी देख सकते हो, इसमें जो डिस्प्ले दिया गया है वो 6.67 इंच का फुल HD प्लस 3D कर्व डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि एक AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसके अगर स्क्रीन रिफ्रेश रेट की बात करो तो आपको 120 हर्ट्ज का इसमें स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको 1800 नीट्स की पिक ब्राइटनेस भी मिल जाती है, जो कि आपके डेली यूजेस के लिए बहुत शानदार मोबाइल फोन को बना देती है, जिससे आप इंडोर या फिर आउटडोर कहीं पे भी यूज करते हो तो आपकी ब्राइटनेस की कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। इसके अलावा इसमें आपको रीडिंग मोड दिया गया या फिर सनलाइट मोड जैसे अलग अलग फंक्शन भी मिल जाते हैं, जो कि आपके डेली यूजेस के लिए बहुत शानदार होने वाले हैं। इसके अलावा अगर डिस्प्ले के रेजोल्यूशन की बात करो तो इसमें आपको 1.5K का रेजोल्यूशन मिलता है, जिस वजह से आपका व्यूज देखने का एक्सपीरियंस हो या फिर गेमिंग का एक्सपीरियंस हो बहुत इनहांस करने वाला है। इसके साथ ही इसमें आपको 68 बिलियन प्लस कलर शेड्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। जी गाइस, इसमें बहुत सारे कलर शेड्स के ऑप्शन मिल जाते हैं डिस्प्ले के अंदर, जिस वजह से आपको जो मूवी देखोगे तो आपको उसको फुल क्वालिटी अच्छी, फिर 4K में अगर वीडियो देखते हो तो उसमें आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, जिस वजह से आपको पूरे कलर शेड्स से लेकर हर चीज़ बहुत इनहांस दिखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से दिखेंगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो डिस्प्ले तो बहुत ज़्यादा कमाल का दिया गया आपके डेली यूजेस के लिए, बोलो गेमिंग के लिए बोलो या फिर मूवी देखने के लिए, हर चीज में आपको डिस्प्ले बहुत तगड़ा दिया गया है और बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। तो चलिए अब इसके बाद हम इसके परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं कि इसमें प्रोसेसर, रैम, रोम किस तरह आपको मिलने वाला है।
सो गाइस जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये मीवी के लेटेस्ट वर्जन 14.0.1 पे दिया गया है, जो एक लेटेस्ट वर्जन दिया गया है। इसके अलावा इसमें इंटरनल जो मेमोरी दी गई है आपको 256 GB आपको मिलने वाली है, जो एक अच्छी चीज़ दी गई है। इसके अलावा इसमें रैम रोम की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको 12 GB रैम दी गई, जिसमें आप 8 GB तक रैम एक्सपेंड कर सकते हो। इसमें हमारे को 4 GB एक्सपेंड करके दी गई है, जिसे आप 8 GB तक कर सकते हो। इसके अलावा प्रोसेसर की अगर बात करूँ तो इसमें आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा प्रोसेसर दिया गया है, जिसका अगर इंटरव्यू स्कोर की मैं बात करूँ तो आपको 7 लाख प्लस मिलता है। इसके अलावा एंड्रॉइड वर्जन की अगर बात की जाए तो ये एंड्रॉइड वर्जन आपको 13 पे मिलता है। 14 अपडेट इसमें आपको जल्दी ही मिल जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो ओवरऑल अगर देखो तो इसमें सारे फीचर्स अच्छे दिए गए, इसमें रैम रोम प्रोसेसर से लेकर हर चीज परफेक्ट दी गई। एंड्रॉइड वर्जन 13 मिलता है, 14 अपडेट भी आपको मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस में भी मोबाइल फोन बहुत तगड़ा दिया गया है। बैटरी की अगर बात करो तो इसमें 5000mAh की आपको बैटरी मिलती है, और साथ ही 120W का हाइपर चार्जर मिल जाता है, जो कि आपके मोबाइल फोन को 20 मिनट में फुल चार्ज कर सकता है। और ये फीचर इसमें बहुत तगड़ा दिया है, जो गेमर्स लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। जिसको गेमिंग करने का शौक है तो आप फट से चार्ज करके इसमें फटाक से गेमिंग कर सकते हो। तो देखा जाए तो बैटरी और चार्जिंग स्पीड बहुत तगड़ी आपको मिल जाती है। इसके अलावा अगर सिक्योरिटी की बात करूं तो इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, फेस लॉक, न्यूमेरिकल लॉक, पैटर्न लॉक जैसे सारे फंक्शन इसमें आपको मिल जाएंगे। फिंगरप्रिंट सेंसर की अगर मैं बात करूँ तो क्वालिटी वाइज तो बहुत शानदार काम करने वाला है। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ शॉट में कि किस तरह ये काम करता है। और अगर देखा जाए तो हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारे मोबाइल फोन को कुछ ही सेकंड में, नैनो सेकंड्स में अनलॉक कर देता है, जो एक अच्छा फीचर दिया गया है। और ओवरऑल यूज के हिसाब से बताता हूँ तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत अच्छा काम करने वाला है आपके लिए। तो देखा जाए तो सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत अच्छा फीचर मिल जाता है। तो चलिए अब इसके बाद हम इसके कैमरे की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो बैक कैमरा सेटअप दिया है वो आपको 200MP का OIS कैमरा सेटअप मिलता है, जो कि ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 200MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2MP का माइक्रो कैमरा मिलता है, और फ्रंट में 16MP का आपको सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। अब क्वालिटी वाइज में बात करूँ तो कैमरे में तो बहुत सारे अलग अलग फीचर्स और फंक्शन भी मिलने वाले हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ, इसमें डॉक्यूमेंट्स, 200MP वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट, नाइट, और मोर में जाओगे तो आपको प्रो, पैनोरामा, शॉर्ट फिल्म, स्लो मोशन, टाइमलेस, AI वाटरमार्क और लॉन्ग एक्सपोजर जैसे अलग अलग फंक्शन मिलने वाले हैं। और ओवरऑल फंक्शंस की बात करूँ तो बहुत शानदार फंक्शन मिलने वाले हैं। कैमरे के लिए मैं बात करूँ तो बहुत सारे फीचर इसके अंदर आपको मिलने आएंगे। इसके अलावा बैक कैमरे में 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर पाओगे, जो एक अच्छा फीचर इसमें दिया गया है। फ्रंट कैमरे में आपको फुल HD+ मिलेगा, पर बैक कैमरे में आपको 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे आप देखते हो 4K में आपको 30fps और 24fps दोनों में वीडियो रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन इसमें मिलने वाला है। इसके अलावा आप इसके फोटोज़ हमारे स्क्रीन पे देख सकते हो। फोटोज़ की बात करो तो फोटोज़ तो बहुत अच्छी आपको मिल जाती है, आपको फोटो क्वालिटी में आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा हो, दोनों में बहुत अच्छी तरीके से आप फोटोग्राफी कर सकते हो, वीडियो भी आप खींच सकते हो। बैक साइड में तो आपको 4K मिल जाता है, फ्रंट में आप नॉर्मल वीडियोग्राफी कर सकते हो। और ओवरऑल बात करूँ ना तो कैमरे के लिए बहुत ज़बरदस्त मोबाइल फ़ोन दिया है, कैमरे में आपको उसमें कोई तकलीफ होने वाली है नहीं। इसके अलावा अगर गेमिंग की बात करो तो इसमें आप गेमिंग बहुत आसानी से कर सकते हो, पबजी, फ्री फायर, COD जैसे गेम बिल्कुल आसानी से खेल सकते हो और अच्छी क्वालिटी में खेल पाओगे। मतलब देखा जाए तो गेमिंग के लिए बहुत अच्छा फ़ोन दिया गया है, और इसमें आपको VC कूलिंग सिस्टम भी मिलने वाला है, जिस वजह से आपको गेमिंग के लिए तकलीफ नहीं होगी। अगर आपका मोबाइल ज़्यादा हीट होता है तो ये खुद में खुद इसे कूल भी करता है। तो देखा जाए तो ये भी एक अच्छे फीचर्स इसमें दिए गए। इसके अलावा इसमें आपको IP68 की रेटिंग भी मिल जाती है, डुअल स्टूडियो स्पीकर का ऑप्शन मिल जाता है, जिस वजह से आपको म्यूज़िक या फिर गाने सुनने हो या फिर कोई भी चीज़ सुनना हो तो उसके एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलने वाला है इसके अंदर। इसके अलावा आपको ये Wi-Fi 6 पे मिल जाता है, जगह जिसमें आपको Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिलता है, जिस वजह से आपका जो Wi-Fi का यूज़ या फिर Wi-Fi की जरिए यूज़ करते हो मोबाइल फ़ोन, तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर इतने सारे फीचर्स मिले, इतने तगड़े तगड़े फीचर्स मिल जाते हैं आपको, जो आपके डेली यूजेस के हिसाब से बोलो या हर चीज़ के हिसाब से बहुत शानदार मिल जाते हैं। इसमें आपको डिस्प्ले इतना ज़बरदस्त दिया गया, जिसमें आपको वीडियो देखने का फिर गेमिंग का एक्सपीरियंस बहुत शानदार हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी तरीके से दी जाएगी। 1.5K का रेजोल्यूशन मिलता है, जिस वजह से आप एक्सट्रीम HD या फिर 4K तक की वीडियो आसानी से प्ले कर सकते हो और अच्छी क्वालिटी में आप देख भी सकते हो। प्रोसेसर भी बहुत तगड़ा दिया गया, जिसमें आप गेमिंग भी कर सकते हो और नॉर्मली यूज़ करना या फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से यूज़ करना उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त मिल जाता है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इसमें हर फंक्शन फीचर्स शानदार आपके दिए गए हैं। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो ये वेरिएंट आपको 32,000 की रेंज तक मिल सकता है, बट अगर आप कार्ड ऑफर लगा के लेते हो तो आपको ये मोबाइल फोन 29,000 तक परचेस कर सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ दी गई है, ऑफर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट दोनों में मिल जाएगा, तो आपको कोई तकलीफ नहीं है आपको ऑनलाइन ही परचेस करना, ऑफलाइन में भी आप यही सेम फीचर्स या फिर सेम ऑफर से परचेस कर सकते हो। उस हिसाब से अगर देखोगे तो ये मोबाइल फोन बहुत ज़बरदस्त दिया गया, हर चीज़ में बहुत शानदार मिल जाती है, कैमरे से लेकर प्रोसेसर, रैम, रोम, हर चीज़ में बहुत ज़बरदस्त दी गई। प्राइसिंग वाइज हर चीज़ परफेक्ट है, इसमें आप इसे परचेस बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट में बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। सो दैट्स इट, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।